दोस्तों, स्टारमेकर का एक नया अपडेट आ चुका है 8.9.1। ये अपडेट अभी आपको स्टारमेकर लाइट पे ही देखने को मिलेगा, लेकिन जल्दी आपको स्टारमेकर पे भी देखने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं इसी नए अपडेट के बारे में, क्या कुछ नया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे कंप्लीट बने रहना, अगर इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपने स्टारमेकर लाइट पे और आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ये सारे फीचर्स। तो यहाँ पे जो पहला फीचर है दोस्तों, यहाँ पे है अकाउंट लॉगिन का। आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए स्टारमेकर ने यहाँ पे, अगर आपका अकाउंट किसी और डिवाइस में लॉगिन होता है तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें लिख के आएगा अकाउंट लॉग्ड इन एल्सवेयर। ठीक है, रिकनेक्ट का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, मीन्स आपका अकाउंट जो है कहीं पे लॉगिन है, कहीं दूसरी जगह पे लॉगिन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने अपना अकाउंट स्टारमेकर पे लॉगिन करके रखा है और इसलिए यहाँ पे जो है यही, और सेम अकाउंट स्टारमेकर लाइट पे भी लॉगिन करके रखा है, तो यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि मेरा अकाउंट कहीं ना कहीं पे लॉगिन है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि काफ़ी लोग जो है जिनका अकाउंट जो है हैकर्स लॉगिन करके रखते हैं, या कोई और अपने आपने अपने फ्रेंड को अपना अकाउंट दिया है, अगर वो आपके अकाउंट को यूज़ कर रहा है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई उसने आपके अकाउंट को इस टाइम पे लॉगिन करके रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप डिस्कवर वाले पेज पे जाएंगे, डिस्कवर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो सबसे ऊपर आपको एक जो हैशटैग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है राइट कॉर्नर में, उसके बगल में ही आपको नोटिफिकेशन एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मीन्स आप अपने नोटिफिकेशंस को यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको मेंशंस, फॉलोइंग, कमेंट्स, लाइक्स एंड फैंस जो भी आपको फॉलो करते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, एक शॉर्टकट की जो है ऐड किया गया है आपके नोटिफिकेशंस को मैनेज करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट इसका एक और नया फीचर जो यहाँ पे ऐड किया गया उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप अपने पार्टी रूम में जाएंगे, तो अभी क्या है दोस्तों कि आप जो है अपने पार्टी रूम के पेड एक्सपी एंड फ्री एक्सपी को अलग अलग देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने पार्टी रूम के एक्सपी वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका टोटल एक्सपी देखने को मिलेगा। इसके बाद में टुडे एक्सपी में आपको आपका जो है आपने आज कितना पेड एक्सपी कितना किया है और फ्री वाला एक्सपी कितना किया है, वो दोनों सेक्शन आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपको पता होगा कि पेड एक्सपी में आप 3000 एक्सपी तक कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फ्री एक्सपी आपका 1500 एक्सपी ही होता है, मीन्स 1500 पॉइंट ही आप फ्री वाले एक्सपी कर सकते हैं, फ्री वाले गिफ्ट को सेंड करके या टास्क करके। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है, जिससे आप इजिली ट्रैक कर पाएंगे कि भाई हमारे रूम में कितना पेड एक्सपी कंप्लीट हुआ है और कितना फ्री एक्सपी हुआ है। तो इससे आप जो है, कई बार होता है दोस्तों कि आप जब रूम टास्क करते हैं और उसमें आप कुछ कॉइन्स को मार देते हैं, वहाँ पे कुछ कॉइन्स सेंड कर देते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है कि कितना भाई पेड एक्सपी हमारा हुआ है और कितना हमारा फ्री एक्सपी हुआ है। तो यहाँ से आप बहुत ही इजिली ट्रैक कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे अपडेट जो है स्टारमेकर पे आने वाले हैं, स्टारमेकर लाइट पे फाइनली आ चुके हैं। अगर आप अपने स्टारमेकर लाइट को अपडेट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जो है 8.9.1 पे अपडेट करके यही सारे फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारा कुछ अभी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।